लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। ठाकरे ने एक बार फिर उनसे कहा कि अगर उनका बीजेपी में अपमान हो रहा है तो वो बीजेपी छोड़ दें, महाराष्ट्र में विपक्ष लोकसभा चुनाव में उनकी जीत सुनिश्चित करेगा। अब आपको बता दें कि ठाकरे ने दो दिन पहले भी गडकरी को ऐसा ही न्योता दिया था जिसे गडकरी ने बहुत ही अपरिपक्व बयान बताया था। पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि ठाकरे को इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि भाजपा किसे टिकट दे रही है या नहीं। ठाकरे ने मंगलवार को पूर्वी महाराष्ट्र के यवतमाल ज़िले के पुसाद में एक रैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेसी नेता कृपा शंकर सिंह जैसे लोग जिस पर भाजपा ने कथित रूप से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, हालांकि अब उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उम्मीदवारों की पहली सूची में शामिल किया गया, लेकिन इस सूची में गडकरी का नाम गायब था। मैंने दो दिन पहले ही गडकरी से कहा था कि दोबारा कह रहा हूं कि अगर आपका अपमान हो रहा है तो आप भाजपा छोड़ दें और महाविकास अघाड़ी में शामिल हो जाएं। मैं सुनिश्चित करता हूं कि महाविकास अघाड़ी आपकी जीत सुनिश्चित करे। हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम आपको एक अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपेंगे। दो दिन पहले ठाकरे द्वारा दिए गए न्योते को गडकरी ने हास्यास्पद बताते हुए ठुकरा दिया। उन्होंने ठाकरे के बयान को अपरिपक्व बताया और पूर्व सीएम पर पलटवार करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि भाजपा किसे मैदान में उतारती है। गडकरी ने अपने बयान में कहा कि भाजपा ने चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर एक प्रणाली बनाई हुई है और उसी के मुताबिक काम किया जाता है। उन्होंने ये भी भरोसा जताया कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा नीत राजग को 400 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। ये आपको बताते चले कि ठाकरे ने कहा था कि गडकरी को महाराष्ट्र की ताकत दिखानी चाहिए, उन्हें दिल्ली के सामने झुकने के बजाय इस्तीफा दे देना चाहिए। गडकरी ने कहा कि ठाकरे का सुझाव काफ़ी अपरिपक्व है, हास्यास्पद भी है। बीजेपी में उम्मीदवारों को टिकट देने की एक व्यवस्था है, उसी के हिसाब से हम चलते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ठाकरे का सुझाव आगामी लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में टिकट वितरण पर बीजेपी की चर्चा से काफी पहले आया है। उन्होंने द्वारका एक्सप्रेसवे के 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा खंड को जनता के लिए खोले जाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए यह टिप्पणी की। और दूसरी ओर गडकरी ने यह भी विश्वास जताया कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि द्वारका एक्सप्रेसवे एक अत्याधुनिक परियोजना है, सरकार ने द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण लागत में 20% की बचत की है। और उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में सड़कों, राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 65,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे बार बार नितिन गडकरी के अपमान की बात कर रहे हैं उनकी पार्टी में और ये कह रहे हैं कि आप हमारे पाले में आ जाइए, ये एक बहुत ही दिलचस्प प्रकरण है। हालांकि नितिन गडकरी ने इसे हास्यास्पद बताया है, अपरिपक्व बताया है, लेकिन बीजेपी इस बयान को कैसे लेती है ये देखना बहुत ही अहम होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।